वेलकम गाइस सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कंपेयर दिस टू डैक्स तो आपने इसका वीडियो देखा होगा पहले और ये है सी एस प्रो फ्रॉम टी आडर एन एंड दिस इज ओडीसी एच डी फ्रॉम वेंच इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये दोनों डैक्स मैं आपको कौन सा परचेस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए एंड बाय द वे दिस बोथ ऑफ दीज आर डोंगल डैक्स ठीक है ना एंड प्राइस पॉइंट दोनों का काफ़ी सही है एंड सी एस प्रो जो आपका ये फोर्टीन हंड्रेड रुपीज़ समथिंग की रेंज में आता है एंड देन यू हैव हेयर ओडीसी एच डी जिसकी जो प्राइस पॉइंट है वो ऑलमोस्ट एलेवन हंड्रेड रुपीज़ है तीन सौ रुपये लगभग का डिफरेंस है एंड आपको कौन सा परचेस करना चाहिए लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट और पैकेजिंग में यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है सी एस प्रो में जो कि एलमिनियम का है एंड इट इज़ ऑल्सो एक्स एज अ यू नो केस फॉर योर डोंगल तो काफ़ी सही है एंड हेर यू हैव ओ डी एच डी और इसकी पैकेजिंग क्वाइट जेनरिक लाइक आपके जो ईयरबड्स आते हैं वेंचर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग यहाँ पे दी गई है एंड नो बॉक्स एंड नथिंग एट ऑल और इन दोनों पैकेजिंग में आपको क्या मिलता है इसमें आपको मिलता है टाइप ए टू टाइप सी का एक यू एस बी अडेप्टर एंड इसमें भी आपको मिलता है टाइप ए टू टाइप सी का यू एस बी अडेप्टर एंड देन यू हैव द डोंगल डैक इट सेल्फ सो इफ आई टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस डैक सो बिल्ड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है वायर दोनों के थोड़ा से डिफरेंट है बट बोथ एंड पे जो कनेक्टर्स ये हैं दोनों मेटल के हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि थ्री पॉइंट फाइव एम का जो कनेक्टर है इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू ईच अदर बस डिज़ाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है एंड हल्का सा थिन है कनेक्टर सी एस प्रो का एंड थोड़ा थिक है कनेक्टर आपका यहाँ पे ओडीसी एच डी का एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर की बोथ थार ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूचर अदर एंड वायर की जब बात आती है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वायर है सी एस प्रो का इट इज़ क्वाइट फ्लेक्जिबल और जब भी आप इसमें हेडफोन या आई एम की केबल कनेक्ट करते हैं तो इट मोल्ड इट्स सेल्फ वेरी इजिली वही जब हम बात करते हैं कि वी ओ डी सी की तो यहाँ पर इसकी केबल थोड़ी रिजिट दिखती है एंड नॉट वेरी फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ के मामले में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ दोनों में ऑलमोस्ट सेम है इनिशियली आई आई वुज थिंकिंग कि यार यहाँ पे जो आपका सी एस प्रो है इसकी केबल थोड़ी फ्लिमजी हो सकती है बट ऐसा नहीं है लेटरी फाउंड आउट की केबल इसकी भी स्ट्रॉन्ग है आई I मीन mean, जो स्ट्रेंथ है दोनों की केबल में ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर तो अगर आप वेंचर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हैं जो यहाँ पे ओ डी सी एच डी मेरे पास है तो इसमें जो आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी इट ऑलमोस्ट वेरी गुड और साथ में आपको साउंड क्वालिटी जो मिलेगी आपके सी एस प्रो में यहाँ पर भी आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी देन सबसे so, so, हम पहले बात कर लेते हैं चिप के डिफरेंस की जो आपका यहाँ पर ओडीसी एच डी ए फ्राम वेंचर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जो आपको चिप मिलती है दैट इज फ्रॉम रियल टेक और यहाँ पर जो चिप है वो है ए एल सी फोर्टी फोर्टी टू और यहाँ पर जो आपको चिप मिलती है uh, आपके सी एस प्रो में डैट इज़ फ्रॉम सीरस लॉजिक और वो है आपकी सी एस फोर्टी सिक्स तो यहाँ पे दोनों में चिप का डिफरेंस है दोनों में डिफरेंट डैक चिप्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे साउंड का डिफरेंस बनता है तो जब आप इसके थ्रू सुनेंगे आपका जो ओ टी एच है तो यहाँ पे ये यह थोड़ा फॉरवर्ड साउंडिंग है थोड़ा ब्राइट साउंडिंग है आई मीन इन द सेक्शन ऑफ हाईज एंड लोज यहाँ पे ये यह थोड़ा ब्राइट आपको साउंड करेगा और जबकि आप इसके थ्रू अगर सुनेंगे जो कि है सी एस प्रो यहाँ पर जो साउंड मिलने वाली है इट इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट बैलेंस्ड बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड साउंडिंग नहीं है तो सी एस प्रो में ओवरऑल जो आपको साउंड क्वालिटी या साउंड सिग्नेचर जो मिलने वाला है इट इज क्वाइट मेलो और यू कैन से सॉफ्ट काइंड ऑफ इसमें जो साउंड है आपको मिलेगी हाइज में भी एंड लोज में भी वहीं पे अगर आप ओडिसी एच डी की बात करते हैं तो इसमें जो आपको हाइज मिलेंगी इट्स वेरी क्रिस्प एंड ये थोड़ा लाउड भी है इन कंपेरिजन टू योर सी एस प्रो एंड वेन यू टेक द वॉल्यूम अबव सेवेंटी टू एटी परसेंट यानी कि जब नाइन्टी फाइव परसेंट या नाइन्टी परसेंट वॉल्यूम ले आते हैं तो वहाँ पे आपको जो साउंड है अभी ओ डी सी का इट क्वाइट सम टाइम आपको थोड़ा चुपने वाला फील हो सकता है बिकॉज इट्स अ वेरी ब्राइट साउंडिंग बोथ इन द लोज मिड्स एंड द हाइज डिपार्टमेंट और वहीं पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे सी एस प्रो की तो इफ़ यू हैव इंक्रीज द वॉल्यूम अब एटी टू एटी फाइव परसेंट नाइन्टी परसेंट में भी यहाँ पे आपको सी एस प्रो काफ़ी सॉफ्ट साउंड करता है एंड काफ़ी मेलो साउंड करता है तो अगर मैं आपको अपनी चॉइस बताता हूँ कि यार इन दोनों डैक्स में से मुझे कौन सा चूज़ करना होगा बिकॉज प्राइस थोड़ा इसका ज़्यादा है फोर्टीन हंड्रेड रुपीज़ एंड प्राइस इसका है एलेवन हंड्रेड रुपीज़ तो इट्स नॉट अबाउट द प्राइस पॉइंट इट इज मेनली अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ द डैक्स तो मैं यहाँ पे सी एस प्रो को प्रिफर करता हूँ बिकॉज इट इज़ क्वाइट बैलेंस इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट और मेरे को जो साउंड सिग्नेचर पसंद है उसमें थोड़ा वॉम्थ मेरे को ज़्यादा पसंद है एंड uh, अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आपको दोनों में ही काफ़ी सही मिलेगा एंड द ली डिफरेंस इज़ दैट इट इज़ लिटल बट ब्राइट जो आपका ओ डी सी एच डी है और ये थोड़ा आपका सॉफ्ट है एंड थोड़ा वॉम्थ है योर सी एस प्रो तो नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छे डैक्स हैं एंड uh, कुछ लोग ब्राइट पसंद करते हैं कुछ वॉम पसंद करते हैं कुछ बैलेंस पसंद करते हैं एंड इन द केस ऑफ ओ डी सी एच डी आपको इसमें थोड़ा गेन भी मिल सकता है आई मीन लिटल बट लाउड वॉल्यूम और जबकि आपको इन द केस ऑफ सी एस प्रो आपको इसमें ऐसा नहीं मिलेगा बट अगर साउंड सिग्नेचर की बात आती है तो सी एस प्रो इज क्वाइट वॉम लिट बिल्ट बैलेंस एंड जब साउंड सिग्नेचर की बात आती है इसकी एच डी आई मीन ओडीसी एच डी की तो यहाँ पे आपको थोड़ी साउंड सिग्नेचर थोड़ा ब्राइट मिलने वाला है तो अगर इसमें लोज की बात करते हैं लोज आपको दोनों में ही काफ़ी अच्छी मिलेंगी लोज दोनों में ही टाइट मिलती है एंड मिट्स की बात आती है तो मिड्स कहीं ना कहीं रिसेस्ट हो जाती हैं हल्की फुल्की आपकी भी ओडीसी में बिकॉज इट इज़ मोर फॉरवर्ड एट हाइज एंड लोज इवन आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है सी एस प्रो में एंड बेस का एक्सटेंशन दोनों में ही काफी अच्छा है एक्सटेंशन डजन मीन की बेस का स्प्रेड ओके एक्सटेंशन मीन सिंपली द डेप्थ इन द बेस तो वहाँ पे आपको दोनों में अच्छी मिलती है ओनली डिफरेंस इज द ब्राइटनेस एंड वॉम्थ इन द साउंड सिग्नेचर ऑफ बोथ ऑफ दीज डैक्स दट इज ओनली डिफरेंस इफ यू लाइक द कम्पेरिजन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैेक्ट वीडियो विद सम एन अदर ऑडियो केयर टिलन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाई